दोस्तों, जब स्मार्टफोन पुराने हो जाते हैं तब कई प्रकार की दिक्कतें आती है, जिसमें सबसे पहले दिक्कत है कि हमारा फ़ोन है वो स्लो हो जाता है। ऐसे में हम जब कोई फाइल ओपन करते हैं तब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके फ़ोन के साथ ये चीज़ें हो रही है तो बहुत ज़्यादा आपका फ़ोन स्लो हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जिससे दोस्तों आप अपने फ़ोन को एकदम नए जैसा बना सकते हो। पहले जैसा नया फ़ोन वर्क करता था वैसा ही ये अब करेगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारा फ़ोन है वो स्लो क्यों होता है। जब हम नया लेते हैं तब काफ़ी तेज़ चलता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा फ़ोन है वो स्लो हो जाता है। इसका क्या कारण है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे फ़ोन का जो ये एंड्रॉइड सिस्टम है उसको जैसा आप यूज करोगे वैसे वैसे हमारा जो एप्लीकेशन है फ़ोन के उसकी साइज़ है वो बढ़ती जाएगी। साथ ही ये फ़ोन है रैम और स्टोरेज को भी भर देता है, जिसको हमें टाइम पर सर्विस करनी पड़ती है। जिस तरह से हमें कोई गाड़ी है या मोटरसाइकिल है उसको सर्विस करनी पड़ती है, उसी प्रकार भी हमारे एंड्रॉइड सिस्टम को सर्विस की ज़रूरत होती है। इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे फ़ोन को रिपेयर करने के लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें क्या करना है उसके लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर स्टार्ट यूजिंग दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। टैप करते ही आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपके सामने कई फीचर दिखाई देंगे जिसमें क्लीन कैच, मैनेज एप्स, रिपेयर सिस्टम, बूस्ट रैम, एम्प्टी फोल्डर, बैटरी सेवर, हार्डवेयर टेस्टिंग, बैकअप एप्स और रूट चेकर, इन सब के फीचर आपके सामने एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। इनमें से सबसे पहले आपको जाना है रिपेयर सिस्टम में। यह फीचर आपके सिस्टम को पूरा का पूरा रिपेयर करता है, पूरे के पूरे सिस्टम को रिपेयर करता है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूरे सिस्टम का रिपेयर हो रहा है। नीचे आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है रिपेयर सिस्टम एंड्रॉइड जो फीचर है वो आपको रिपेयर करेगा। उसके बाद आता है रिमडी बूट, आपके फ़ोन को ये फीचर है वो रिमडी बूट करेगा। उसके बाद जो फीचर आता है वो आया फाइल सिस्टम रिपेयरिंग। ये जो फीचर है ये आपके फ़ोन की फाइल को में जो भी फालतू की फाइल है उसे हटाएगा और रिपेयर करेगा और जितने भी बग्स है उसे फिक्स करेगा। उसके बाद आता है बूस्ट रैम, जो आपके फ़ोन का जो रैम है उसे स्लो हो गया है उसे फास्ट करेगा। इसी वजह से यह एप्लीकेशन बहुत ही खास है फ़ोन को रिपेयर करने के लिए और उनको बूस्ट करने के लिए। अभी यह जो रिपेयर है वो हो रहा है, रिपेयर सिस्टम एंड्रॉइड हो गया और रिमडी बूट हो गया। अब चल रहा है फाइल सिस्टम रिपेयरिंग, उसके बाद में होगा बूस्ट रैम। बूस्ट रैम हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि पूरा का पूरा जो इस प्रक्रिया है वो आराम से देख ले। फाइल सिस्टम रिपेयर है वो हो गया है, अब चल रहा है बूस्ट रैम। कुछ ही सेकंडों की बात है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा रिपेयर हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ है वो विज्ञापन और एड्स है ना वो उनकी समस्या रहती है। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनको आराम से हटा देना है। रिपेयर होने के बाद सक्सेसफुली डन दिखाई देगा। उसके बाद आपको दिखाई देगा क्लीन केस, आपको क्लीन केस के ऊपर है वो क्लिक कर देना है, उससे आपको पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। देखो ये क्लीन भी हमारे सिस्टम में है वो कंप्लीट हो चुका है और वापस एक और विज्ञापन आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम हटा देते हैं। उसके बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद वापस आपको होम पेज पर आना है और यहाँ पर आपको हार्डवेयर टेस्टिंग टैप करना है। जैसे ही आप हार्डवेयर टेस्टिंग पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी लगे कि मेरे फ़ोन में कोई सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, या फिर आपको चेक करना है कि आपका सिस्टम है इनमें से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे वाइब्रेशन टेस्ट है, सिम कार्ड है, डिस्प्ले है, टच सेंसर है, स्पीकर टेस्ट है, चेक हेडफोन है, चेक ब्लूटूथ है। जैसे मैं इनमें से मेरा टच को चेक करना चाहता हूँ तो टच पर क्लिक करूँगा और आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। अब आपको पूरी स्क्रीन पर देख लेना है कि आपको स्क्रीन में कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है।
आप इनमें से कोई भी फीचर है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत से फीचर दिए गए हैं। मान लो आपके फ़ोन की बैटरी भी कम चलती है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बैटरी सेवर पर फीचर पर भी दिया गया है, इस पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद सामने आपके सामने दो फीचर दिखाई देंगे, अल्ट्रा मोड और नॉर्मल मोड। इनमें से अगर आप अल्ट्रा मोड पर क्लिक कर दोगे तो आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होगी, अगर आप नॉर्मल मोड पर रखोगे तो बहुत ज़्यादा सेव है नहीं होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके लिए मैं सबसे पहले वो सिस्टम सेटिंग को अलाउ कर देना है और वापस बैक आना है। अब आपका अल्ट्रा मोड है वो सिस्टम चालू हो गया है, जिससे आपकी बैटरी है वो बहुत ज़्यादा बचेगी। इतने सारे फीचर आपको एक ही छोटी सी एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। इसमें से आपने अगर वैसा ही किया है जैसे मैंने बताया, तो आपका फ़ोन है वो नए जैसा वर्क करेगा और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है नहीं रहेगी। ट्राई करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका फ़ोन फास्ट हुआ है कि नहीं हुआ, प्लीज़ ये बता करके ही जाना। अगर नहीं हुआ तो भी बताना और हुआ तो भी बताना। अगर आपका फ़ोन फास्ट हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।